चंडीगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। वहीं विशेषज्ञों ने कोरोना की चौथी लहर का अलर्ट जारी कर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक जून में कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे सकती है। इसके लिए प्रशासन को अपने स्तर पर तैयार रहने की बात भी कही गई है। बता दें कि IIT कानपुर ने कोरोना की चौथी लहर की संभावना जताई है। IIT कानपुर के विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की चौथी लहर नए वेरिएंट पर निर्भर करेगी। इसके अलावा कितने लोगों का कोविड टीकाकरण हुआ है, इस पर भी चौथी लहर में आने वाले संक्रमित मामले निर्भर करेंगे। आज शहर में इस समय 116 कोरोना एक्टिव मरीज हैं। इनमें से ज्यादातर होम आइसोलेशन में हैं। और डॉक्टर सुमन सिंह ने बताया कि कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी के बाद से शहर में कोरोना संक्रमित मामलों में 62% की बढ़ोतरी सामने आई है। मार्च में 167, अप्रैल में 136 और मई में 370 कोरोना संक्रमित मामले नए आए हैं। ऐसे में शहर में फरवरी 2022 के बाद से 62% संक्रमित मामले दर्ज किए। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सुमन सिंह ने बताया कि शहर में कोरोना की तीसरी लहर के बाद से अब तक किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक शहर में कुल 1165 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर में फिलहाल अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। फिर भी स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर नए संक्रमित मामलों के कोविड सैंपल लेकर नई दिल्ली स्थित NCDC लैब को कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए रैंडम सैंपल लेकर जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।